नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRT उर्दू प्रयागराज में स्वागत है। तो साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप साथियों BA में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर MA में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप कोई PG यानी डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप एकल विषय यानी यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का आपका लास्ट डेट क्या है साथियों, और किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में आप जानने के लिए यानी एडमिशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में साथियों एक आपको यहाँ पे एडमिशन यानी UPRTU एडमिशन के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एडमिशन से लेकर जितने भी आपके मन में डाउट हैं, जितने भी आपके मन में सवाल में जो भी आप पूछना चाहते हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर एक एक डिटेल बताया गया आपको, वहाँ पे आपको बताया गया है कि आप BA में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, MA में आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, यदि आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप MA हिंदी, MA जियोग्राफी या फिर कोई अदर सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हो एकल विषय से, तो आप एकल विषय से किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी साथियों वहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप UPRTU एडमिशन के नाम से एक हमारे प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। बाकी एडमिशन का जो आपका लास्ट डेट है उसके बारे में जानने के लिए आप सिंपली जो है UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए, और जब इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो गया था साथियों तो आप नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा कि एडमिशन डेट फॉर July 2024 सीजन हैज़ बीन एक्सटेंडेड और लास्ट डेट इज 15 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी आप जो है एडमिशन का जो आपका लास्ट डेट है वो क्या है, 15-10-2024 है, यानी अभी भी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में तो आप 15-10-2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यदि आपके नज़दीक में कोई भी HD सेंटर है तो आप अपने HD सेंटर से जाकर वहाँ से भी संपर्क करके साथ ही आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप किस प्रकार से एडमिशन लेंगे इसके बारे में एक एक करके पूरे डिटेल हमने आपको बताया हुआ है, तो आप UPRTU एडमिशन के नाम से जो हमारे प्लेस है उस प्लेस में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक एक स्टेप पूरा बताया गया किस प्रकार से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन ले सकते हैं। सिंपली देखिए जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो गया थी तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल का यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा एडमिशन का, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए ओपन हो किया गया, और जब आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो किया गया साथियों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया कि MBA न्यू एडमिशन, और दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है सत्र 2024-25 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यानी यदि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यदि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, यानी यदि आप द्वितीय वर्ष या फिर तृतीय वर्ष में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप BA के सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप MA में या फिर आप BEd, MBA, MC या फिर कोई अदर आपका सब्जेक्ट है उसमें आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करके सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन आप ले सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होगा, जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा सिंपली किसी एक पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना होगा, और आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यह आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो किया गया। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म July 2024 का, और यहाँ पे आपको सबसे पहले भरना है कार्यक्रम का विवरण। कार्यक्रम के विवरण में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी क्षेत्रीय केंद्र चुनना है, जो आपका क्षेत्रीय केंद्र होगा उस क्षेत्रीय केंद्र को आपको यहाँ पे क्या करना साथियों चूज कर लेना है। इसको चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आप अपना अध्ययन केंद्र चुनेंगे जो आपका अध्ययन केंद्र होगा, फिर यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा है, आप MA करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं या फिर एकल विषय से एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे भी आपको एडमिशन लेना है सिंपली किसी एक पर आपको क्या कर देना है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कार्यक्रम के नाम में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको किस प्रोग्राम से आपको करना है वह प्रोग्राम आप यहाँ पे उसके बाद चुनेंगे, यानी किससे आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर साथियों आप कार्यक्रम के वर्ष में आकर यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से चेकबॉक्स पर आपको टिक करके एड पेपर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके जो कोर्स की फीस होगी वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो एलिजिबिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्यक्रम की प्रकृति कैसी है, एनुअल, यदि आप एकल विषय से एडमिशन लेंगे यानी सिंगल सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेंगे तो उसका एग्जाम जो होता है वो क्या होता है एनुअल होता है, यानी
वार्षिक होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का माध्यम कैसा है पढ़ने का, हिंदी माध्यम में। बाकी यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि क्या आप जो है आपको अध्ययन या शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यदि आवश्यकता नहीं साथियों तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, और जब आप यहाँ पे नो कर देंगे तो जो आपसे क्या होगा, जो आपसे बुक की चार्ज ली जाती है यहाँ पे जो आप यस करेंगे, यस करने के बाद जो आपको एचडी मटेरियल होती है, जो आपकी बुक होती है वो आप पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको भेजी जाती है, तो उसका आपको लगभग 30% जो चार्ज होगा वो आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा यानी कट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे नो कर देंगे यानी यदि आपको बुक नहीं चाहिए यहाँ पे नो कर देंगे तो आपका जो बुक का चार्ज होगा वो आपका आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, केवल आपको फीस ली जाएगी, ठीक है। और यदि आप बुक चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद बाकी यहाँ पे आपके जो कार्यक्रम का जो आपका पेपर होगा, एक साल में जितने आपके पेपर होंगे वो पेपर भी आपको एक एक करके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर के तीन पेपर यहाँ पे देखिए आपको देखने मिले, तीनों आपके कंपलसरी पेपर हैं। बाकी आपको इसके बाद यहाँ पे जो आपका पर्सनल डिटेल होगा वो पर्सनल डिटेल आपको भरना है। पर्सनल डिटेल में आप जानते हैं आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना फोटो सिग्नेचर, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आधार नंबर, आपको ABCID जो है ABCID यहाँ पे आपको अपनी भरनी है। बाकी जो यहाँ पे डिटेल मांगा, ब्लड ग्रुप हुआ, धर्म हुआ आपका, क्षेत्र हुआ, राष्ट्रीयता आपका हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, सब आप एक एक करके यहाँ पे सारे फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद जो आपकी शैक्षिक योग्यता होगी उसके बाद यानी एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जैसे आपका हाई स्कूल डिटेल हुआ, BE का डिटेल हो गया, इंटर का डिटेल, सारे डिटेल आपको क्या करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, डॉक्यूमेंट, आपका किस ईयर आप पास हैं, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, कितने आपको मार्क मिले हैं, आपका परसेंटेज कितना है, श्रेणी आपका कौन सा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड है, ये सब साथियों आपको एक एक करके फिलअप करना है। सबको फिलअप करने के बाद लास्ट में देखिए इस प्रकार से चेकबॉक्स पर आपको टिक करना होगा, और लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इसे आपको सबमिट कर देना है। इस पर आप सबमिट कर देंगे तो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ ऊपर देखिए जो आप आपका लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म July 2024, यहाँ आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा जब आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर साथियों आपको क्या होगा दूसरा जो आपका स्टेप होगा, ठीक है, दूसरे स्टेप में आप अपना पेमेंट कटाएंगे, जो यहाँ पे आपके ऑनलाइन फीस होगी, जैसे यहाँ आपका एकल जो विषय था, एकल विषय का जो आपका फीस था वो 4,000 रुपये यहाँ पे शो रहा था, तो ये 4,000 रुपये आपको ऑनलाइन क्या करना होगा, UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको क्या करना होगा, 4,000 रुपये आपको पे करना होगा, भुगतान करना होगा। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा। इसके बाद आप अपना प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद साथियों जो आपकी हार्ड कॉपी होगी यानी सारे डिटेल सबमिट कर लेने के बाद जो आपकी हार्ड कॉपी आप निकालेंगे, अपनी हार्ड कॉपी के साथ जो जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, इंटर की मार्कशीट हुई, ये सारी मार्कशीट उसके साथ आप संलग्न करके जिस कॉलेज आपने जो अपने कॉलेज सेलेक्ट किया है उसी कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना होगा, ले जाके जमा करना होगा। और जब आपका एडमिशन उस कॉलेज के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर एंड नामांकन संख्या प्राप्त करेंगे, और नामांकन संख्या प्राप्त कर लेने के बाद साथियों, ठीक है, अपना नामांकन संख्या प्राप्त कर लेंगे, नामांकन संख्या प्राप्त करने के बाद उसके बाद कुछ दिन में आपका क्या आएगा, बुक आएगा पोस्ट ऑफिस द्वारा, बुक जो आपके पास भेज जाएगा। बुक आने के बाद साथियों कुछ दिन बाद आपका क्या होगा, टाइम टेबल जारी होगा, उसके बाद टाइम टेबल जारी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इतना सारा प्रोसेस होता है साथियों यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। बाकी और भी जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं, और ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी नई नई जानकारी, नई अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।